जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत UPTGT, PGT, LT ग्रेड, KBS, NBS, DSSB जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं चक्रासन की। जी हाँ, इसमें टांगों को नीचे की ओर करके घुटनों के बल बैठिए। इसके बाद दोनों हाथों को कोहनियों को जमीन पर जमा कर औंधे होकर प्रणाम करने की जैसी मुद्रा बना लीजिए। तो ये होता है चक्रासन। अब चक्रासन से लाभ क्या है, ये योग करने से फायदा क्या है? देखिए, चक्रासन से पेट साफ रहता है, कमर का दर्द दूर हो जाता है, स्फूर्ति प्रदान करता है ये आसन, मधुमेह जैसी बीमारी नहीं होती है। इस आसन को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। तो ये है चक्रासन से लाभ। अब बात कर लेते हैं धनुरासन की। जी ठीक, तो अब बात कर लेते हैं धनुरासन की, दूसरा योगा है। देखिए, इसमें होता क्या है कि पेट के बल लेट जाइए, फिर दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और दाहिने टांग की एड़ी को दाहिने नितंब और बाईं टांग की एड़ी को बाएं नितंब पर रख लीजिए। फिर दोनों हाथों को पीठ पर ले जाकर दाहिनी पैर के अंगूठे को पंजे सहित पकड़ें। इसी प्रकार बाएं हाथ से बाएं अंगूठे को बाएं पंजे सहित पकड़ें। दोनों घुटनों को आपस में सटे रहने चाहिए। उसके बाद देखिए, इस स्थिति में आने पर सांस खींचे और फिर सांस रोककर उसे धीरे धीरे छोड़ें। तो ये हो गया धनुरासन योग कैसे किया जाता है। लाभ क्या होगा इससे? पेट की चर्बी घटती है, मेरुदंड लचीला और सशक्त बनता है। इसके अलावा भुजाओं तथा कंधों में मजबूती आती है, और इसके अलावा भूख खूब लगती है, पाचन शक्ति भी बढ़ जाती है। अमाशय और आंत संबंधी जो विकार होते हैं, ये धनुरासन से दूर हो जाते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं शलभासन की। कैसे करना है? जमीन पर लेट जाइए, पेट के बल, हाथों को बगल में रखिए, हथेलियों को जमीन पर रखिए, पैरों को तलवों के ऊपर की ओर रखिए। इसके बाद हाथ और पेड़ों पर बल देकर दोनों टांगों को जमीन से उठाकर तान लीजिए। मुट्ठी जमीन से स्पर्श करती रहनी चाहिए। सांस खींच कर रोकें और कुछ देर बाद छोड़ें। अब देखिए, इससे लाभ क्या होगा ऐसा करने से? कमर में लचक आती है और कब्ज भी दूर हो जाता है। इसके अलावा और क्या क्या लाभ हो सकते हैं? इससे देखिएगा, सीना चौड़ा हो जाता है, पेट व कब्ज के विकार दूर हो जाते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, मानसिक तनाव दूर होता है, और यह आसन नारियों के लिए बहुत लाभदायक है, और यह कमर दर्द, घुटने, जोड़ों के दर्द आदि को तुरंत लाभ पहुंचाता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं भुजंगासन की। कैसे करना चाहिए, ध्यान से सुनिए और इसको समझने का पूरा प्रयास करिए। जमीन पर पेट के बल लेटकर पांव के अंगूठे से लेकर नाभि तक शरीर का भार जमीन पर रहने दे। हथेलियों को भी जमीन पर टिकाए रखें और सिर को इस तरह ऊंचा उठाएं जैसे सर्प फन को उठाए रखता है। ये सर्प लिखा हुआ है, यहां गलती से सर्प हो गया है, तो थोड़ा समझ लीजिएगा। फन को उठाए रखता है। इस आसन में पीठ की हड्डियां तथा पेड़ों तथा कमर तक हिस्सा उठा रहता है। ये हो गया भुजंगासन कैसे करना चाहिए, उसकी स्थिति हो गई, उसकी पोजीशन हो गई। इससे लाभ क्या होगा? यह आलस्य को दूर करने में सहायक है। इसके अलावा यह आसन नारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे गर्भाशय की विकृति में लाभ उठाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पांचवें आसन की, यानी कि सिंहासन की। ठीक, इसमें कैसे करना है? इसमें दोनों घुटनों को
झुकाकर जमीन पर टिका लीजिए। इसके बाद दोनों हाथों को जांघों के समीप रखें और जीभ को बाहर की ओर लंबी निकालें। ये हो गया सिंहासन। इससे लाभ क्या होता है सिंहासन से? देखिए, इससे वाणी में मधुरता आती है, नेत्र ज्योति और पाचन शक्ति बढ़ती है, उदर का मोटापा दूर होता है, वक्ष स्थल में विस्तीर्णता आती है और इससे हृदय जो है दृढ़ होता है, यानी मजबूत हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कोणासन की। कोणासन कैसे करना है? सीधे खड़े और फिर दोनों पैरों को जमीन पर जमा लें, परंतु दोनों पैरों के बीच का अंतर 1 मीटर से कम ना रहे। इसके बाद बाएं हाथ को सामने की ओर फैला लें। ये हो जाता है कोणासन। अब इससे लाभ क्या होगा? इसको करने से लाभ ये है कि ये साइटिका के दर्द से लाभ मिलता है, चेहरे पर रौनक आती है, मुहासे कम हो जाते हैं, पीठ के दर्द से लाभ मिलता है, कूल्हे पर चर्बी नहीं बढ़ती है और गर्भावस्था के पहले 6 माह तक ये आसन करने से बहुत ही लाभ होता है। अब बात कर लेते हैं सातवें आसन की, शीर्षासन की। जी, कैसे करना है? देखिए, यह एक विश्व विख्यात आसन है। इसकी 2 विधियां हैं। प्रथम विधि में नीचे सिर करके खड़े हों और फिर दोनों पैरों को मिलाकर जमीन पर टिकाएं। सिर को सहारा देने के लिए हथेलियों को सिर के इधर उधर लगा दें। दूसरी विधि में यह आसन नीचे सिर तथा ऊपर की ओर पैर को सीधे तानने से बनता है। ये हो गया शीर्षासन, जो 2 तरीके से किया जाता है। अब ऐसा करने से लाभ क्या है ये जानकारी कर लेते हैं। इससे फायदा ये कि मूत्राशय के विकार दूर हो जाते हैं, नाड़ी संस्थान को बल मिलता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और इसके अलावा भारीपन, आलस्य, उदासीनता को ये आसन दूर करता है। शरीर तेजस्वी बनता है, सिर और मस्तिष्क के विभिन्न अंगों का विकास होता है और शुद्ध होता है और पाचन शक्ति भी बढ़ती है शीर्षासन करने से। अब बात करते हैं ताड़ासन की। जी हाँ, देखिए ताड़ासन कैसे करना चाहिए? सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को आकाश की ओर ताने और हथेलियां खुली रखें, दोनों पैरों की एड़ियों को परस्पर मिलाए, तो ये हो जाता है ताड़ासन। तो आपने ताड़ासन की जो पोजीशन है वो आपने देख लिया, समझ लिया लाभ क्या है इससे। आइए ये देखते हैं। इस आसन से यौवन में वृद्धि होती है, शरीर को सुडोल बनाने में सहायक है ये, इसमें मेरुदंड सशक्त होता है, मजबूत हो जाता है और इस आसन से ब्रह्मचर्य के साधन में सहायता मिलती है, रीढ़ की हड्डी तनकर सीधी हो जाती है और छोटे कद वाले व्यक्तियों के लिए ये आसन बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आसन नंबर 9 की। जी हाँ, उत्तान पादासन कैसे करना है? सीधे लेट जाइए और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जांघों की ओर पैरों को नितंबों के पास सटा कर रखें तथा हाथों को भी नितंबों से सटा लीजिए। इसके बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए पैरों को ऊपर की ओर ले जाइए, पैर ऊपर ले जाकर थोड़ी देर तक रोकें। इसके बाद धीरे धीरे लेटे हुए पैरों को नीचे लाइए। ये स्थिति उत्तान पादासन की है। उत्तान पादासन करने से लाभ क्या होगा? शरीर और जांघ सुडोल बनता है, ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाने में सहायता मिलती है, बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है, किसी भी तरह की नाभ की परेशानी में लाभदायक है। इसके अलावा पेट की बीमारियों में भी ये लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा रक्त विकार, पीलिया तथा वात रोग में ये बहुत ही लाभकारी है। विस्थापित नाभ इस आसन को करने से ठीक हो जाता है।
तो ये आसन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब बात कर लेते हैं दसवें आसन की, नौकासन की। कैसे करना है? जमीन पर पेट के बल लेट जाइए, बाहों को कंधे के आगे सीधे पसारें और टांगों को, धड़ तथा बाहों को जितना अधिक हो सके ऊपर उठाए रखें ताकि शरीर नौका की तरह लगे। सांस को रोकें और कुछ क्षण नौका की अवस्था में रुकें। यह आसन 6 से 7 बार किया जा सकता है। ऐसा करने से लाभ क्या है? तो इससे लाभ यह है कि पेट का मोटापा कम हो जाता है, हाजमा ठीक हो जाता है, कब्ज दूर करता है, खून के बहाव को ठीक करता है और शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है और इससे हिक्का रोग जो है दूर हो जाता है। अब बात करते हैं 11वें आसन की, यानी कि मत्स्यासन। कैसे करना है? पद्मासन की स्थिति में बैठ जाइए, हाथों से सहारा लेते हुए पीछे कोहनियां टिकाकर लेट जाइए, हथेलियों को कंधे के पीछे टेक कर उससे सहारा लेते हुए ग्रीवा को जितना पीछे मोड़ सकते हैं मोड़िए, पीठ और छाती ऊपर उठी हुई तथा घुटने भूमि पर टिके होने चाहिए, हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़कर कोहनियों को भूमि पर टिकाइए, श्वास अंदर भर कर रखें। आसन छोड़ते समय जिस स्थिति में शुरू किया था उसी स्थिति में वापस आए। तो आपने ये स्थिति समझ लिया मत्स्य आसन की। फायदा क्या है इसे करने से? पेट के लिए उत्तम अभ्यास है ये, आंतों को सक्रिय करके कब्ज की निवृत्ति करता है, थायराइड पैराथायराइड एड्रिनल को स्वस्थ बनाता है, सर्वाइकल पेन में ये लाभदायक होता है और ग्रीवा की हड्डी बढ़ी होने पर ये लाभदायक होता है। अब बात कर लेते हैं 12वें आसन की। 12वां आसन है शशंकासन। कैसे करना है ये ध्यान दीजिए। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथ सिर के ऊपर उठा लो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकें, सिर को जमीन पर टेक दें, श्वास को रोककर कुंभक करें तथा धीरे धीरे श्वास को खींचते हुए ऊपर उठें। तो ये होता है शशंकासन की स्थिति। ऐसा करने से लाभ क्या होगा? पेट व कमर व कूल्हे की चर्बी को ये कम कर देता है, स्त्रियों के गर्भाशय को बल देता है, मानसिक रोग को दूर करता है और तनाव क्रोध चिड़चिड़ापन आदि को भी दूर करता है, हृदय की स्वाभाविक मालिश भी करता है और हृदय के रोगियों के लिए ये शशंकासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये थे योगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आसन। और भी आसन पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।